Okay, so what is the Wheatstone bridge? It is an arrangement of four resistances used to determine one of these resistance quickly and accurately in terms of remaining three resistances. Okay, ये arrangement होता है Wheatstone bridge का. चार resistance आपको इसमें दिख रहे होंगे, P, Q, R, S. ठीक है, P, Q, R, S, four resistances है. मान लो कोई भी एक resistance unknown है, उसका हमें find out करना है. तो कैसे find out करते हैं? इसमें क्या होगा? इसे P upon R is equal to अगर Q by S होगा, ठीक है, P upon R is equal to Q by S निकालेंगे अगर अपन, और अगर ये वैल्यू इक्वल आ रही है, तो उसका मतलब है कि ये जो Wheatstone ब्रिज है ये क्या है, बैलेंस है. ठीक है, Wheatstone ब्रिज क्या है, बैलेंस. और Wheatstone ब्रिज अगर बैलेंस है तो ये जो मिड वाली जो ब्रांच होती है ना, बीच वाली जो ब्रांच है, इसमें जो है करंट, कोई भी करंट नहीं जाता, करंट क्या जाता है, जीरो. करंट जीरो हो जाएगा इस ब्रांच में. ठीक है, इस ब्रांच में क्या हो जाएगा, करंट. ध्यान से समझना, है ना, हमारे जो काम आने वाला है बस वही पॉइंट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. Wheatstone ब्रिज मैंने आपको बताया क्या है, इसमें चार रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, पी क्यू आर एस. तो पी अपॉन आर इजिकल टू क्यू अपॉन एस जो अगर आपको मिलता है, आप चेक कर लेना, पहले वहां पर चेक करके देख लेना भाई, पी अपॉन आर इजिकल टू क्यू बाय एस आ रहा है क्या. अगर ऐसा है तो ये Wheatstone ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा. और Wheatstone ब्रिज जब बैलेंस हो जाएगा, तो बैलेंस जब ये हो जाएगा, तो बीच में जो ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है ना, गैल्वेनोमीटर वाली जो ये ब्रांच है, इस ब्रांच में करंट जो जाएगा वो जीरो करंट जाएगा. करंट कितना जाएगा, जीरो. अब अगर इसमें जीरो करंट जाएगा, तो आप इस ब्रांच को, बीडी जो ब्रांच दिख रही है, इस ब्रांच को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो. अगर आपने बीडी ब्रांच को एलिमिनेट कर दिया, कब एलिमिनेट करोगे, जब आपका ब्रिज बैलेंस है. तो अगर आपका Wheatstone ब्रिज बैलेंस है, तो आप क्या करोगे, ये ब्रांच जो है बीडी, इसको एलिमिनेट कर दोगे. अब जैसे ही आप बीडी को एलिमिनेट करोगे, तो बीडी को एलिमिनेट करने से देखो क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो आपका, ये हमारा हो गया ए पॉइंट. ठीक है, जैसे ही आप बीडी को एलिमिनेट करोगे, तो ये पी और क्यू किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे या पैरेलल में हो जाएंगे, बताओ किस सीरीज में में आ हो जाएंगे, जाएंगे। सीरीज में हो जाएंगे. ठीक है, ये किस में आ जाएंगे आपके, सीरीज में हो जाएंगे. वन सेकेंड, इसको हटाते हैं, इसका कोई काम नहीं आ रहा हमें. ठीक है, तो ये जो, जैसे ही आप इसको एलिमिनेट करोगे, बी डी ब्रांच को एलिमिनेट करोगे, वैसे ही आपको दिखेगा कि पी और क्यू किस में आ गए, सीरीज में आ गए. सीरीज में आ गए तो आप देखो, इस ये जो Wheatstone ब्रिज है आगे, इसको आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ये कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा. ठीक है, तो ये तो पी वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये क्यू वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका बी हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही नीचे देखो, आर और एस, आर और एस क्या होंगे, ये आर हो गया आपका. ठीक है, ये R रेजिस्टेंस हो गया, ये S रेजिस्टेंस हो गया. तो R और S रेजिस्टेंस भी किस में आ जाएंगे, ये भी किस में हो गए, सीरीज में में हो आ गए, जाएंगे, ये भी सीरीज और में ये हो गए. दोनों फिर पैरेलल हो और जाएंगे। फिर आगे तो आपको सॉल्व करना आता है. ये इसमें इसको लेंगे हम, यहाँ पे जो आपका सेल या बैटरी जो भी कनेक्टेड है, उसको कनेक्ट कर देंगे इस तरह से. ये कनेक्ट कर दिया, और ये आपका सॉल्यूशन, आगे आपको सॉल्यूशन करना आता ही है, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा. ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया अपना, और ये बी पॉइंट हो गया. समझ में आया? तो ये होता है Wheatstone ब्रिज. और इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए या सर्किट को सॉल्व करने के लिए आप यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अ Wheatstone ब्रिज. ठीक है, तो अब जो भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो इस पर ही बेस्ड है, Wheatstone ब्रिज पे मतलब बेस्ड है. इसमें अपन कह सकते हैं कि सर आप... ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिया. अब आप इसको नॉर्मली आप जैसे सर्किट सॉल्व करते हो वैसे भी कर सकते हो, पर उसमें आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा. ठीक है, सॉल्व करने में क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा. अब यहाँ देखो आप, ये तो बैटरी लगा हुआ है, ऑब्वियसली ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, और ये करंट जा रहा है प्लस से माइनस में. ठीक है, अब यहाँ देखो, सबसे पहले ये ए पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ पर ए जंक्शन है, बी जंक्शन है, एक डी जंक्शन है और एक सी जंक्शन है. ठीक है, अब इसको आप अदरवाइज नॉर्मली अपन जैसे कल तक सॉल्व करते आ रहे थे क्वेश्चंस को, वैसे सॉल्व कर लो. और अगर आपको पता है कि हम इसमें चांसेस हैं Wheatstone ब्रिज बनने के, तो आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हो. जैसे नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस अगर काउंट करें कितने कितने हैं इसमें, तो ये शायद कितना है, ये 4 ओम है ना, ये 4 ओम है, 5 ओम है, देन 4 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम. ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 रेजिस्टेंसेस हैं. तो 5 रेजिस्टेंसेस है, तो यहाँ पर चांस है कि शायद ये Wheatstone ब्रिज बन जाए. तो कैसे बनेगा, वो कैसे बनाओगे डायग्राम, वो मैं आपको सिखाता हूँ. देखो, सबसे पहले तो यहाँ आते ही सबसे पहला पॉइंट क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है आपको, तो इधर ए कर लेना, ये आपने ए कर लिया. ध्यान से देखना,
सबसे लास्ट वाला पॉइंट कौन मिल रहा है? सी मिल रहा है आपको, दिख रहा है आपको सबसे लास्ट पॉइंट क्या है? सी है, तो सबसे लास्ट में यहाँ सी कर लेना। अब ध्यान से देखते जाना, ए से लेके बी तक में ये शायद 4 ओम है, अभी पता लग जाएगा अपन को, ठीक है। ए से लेके बी तक में एक 4 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, जो बनते जाएंगे उनको अपन हटाते जाएंगे, ठीक है, यानी टिक करते जाऊंगा तो मुझे ध्यान रहे। तो अगर मैं इसको बी पॉइंट कर दूं, तो ए से लेके बी में एक 4 ओम लगा हुआ है, तो ए से लेके बी में ये देखो, ए से लेके बी तक आप एक 4 ओम का लगा देना रजिस्टेंस, तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। ए और बी के बीच में 4 ओम लगा था, क्लियर है, ये क्लियर हो गया। अब ए और डी के बीच में 2 ओम लगा हुआ है, देखो ए और डी के बीच में, तो आपको डी भी बनाना पड़ेगा एक, तो ये मान लो डी ले लिया हमने, ये डी जंक्शन, तो ए और डी के बीच में कितना लगा है? 2.6 आ रहा है, वो अभी देख ले, आंसर नहीं है मेरे पास अभी, थोड़ी देर रुक जाओ। ए और डी के बीच में कितना है? 2 ओम है, 2 मिनट रुक जाओ, है ना, एक फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक बार समझा दूं। ए और डी के बीच में कितना है? 2 ओम है, तो ये 2 ओम वाला भी क्लियर हो गया। अब देखो बी और सी, बी और सी के बीच में कितना है? 2 ओम, दिख रहा है आपको, ये बी है ये सी है, ध्यान से समझना अच्छे से ना, बी और सी के बीच में 2 ओम लगा हुआ है, तो बी और सी के बीच में भी यहाँ पर आप क्या करोगे, ये बी और सी के बीच में ये 2 ओम लगा दिया आपने, ठीक है, बी और सी के बीच में 2 ओम लगाया। ऐसे करके 1 by 1 सारे रेजिस्टेंसेस अपन को बनाने हैं ना, तो बी और सी के बीच में 2 ओम लगाया, तो ये भी डन हो गया। अब बी और डी के बीच में 5 ओम है, तो ये 5 ओम यहाँ पे बीच में कहीं आएगा, ठीक है, दिख रहा है आपको, बी और डी के बीच में ये 5 ओम लगा दिया आपने, तो ये 5 ओम लग गया बी और डी के बीच में, तो ये भी डन हो गया। अब सी और डी के बीच में 4 ओम है, तो ये रहा सी और ये रहा डी, सी और डी जो है उनके बीच में कितने का लगा हुआ है? 4 ओम लगा हुआ है, और ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में आपका सेल लगा हुआ है 4 वोल्ट का, तो ये ए पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, तो ए और सी के बीच में आपको सेल लगाना है, और वो सेल कितने का है? 4 वोल्ट का है, तो ये 4 वोल्ट का आप सेल लगा दोगे। कितना आंसर बोल रहे हो चिन्ह में? 2.6। अच्छा चलो चेक करेंगे, ठीक है, तो ये 4 वोल्ट आ गया, ठीक है भाई, यहाँ तक आई बात समझ में आपको? अब देखो ये बन गया, yes, बड़ी बात ये, अब इसके आगे तो आप सॉल्व कर ही दोगे, अभी देखो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज सॉल्व करने गए इसको तो आपका टाइम, ऐसा नहीं है सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा आपसे, टाइम ज्यादा लग जाएगा, वो अभी चेक करेंगे। 5 ओम हटेगा ना? नहीं नहीं अभी रुक जाओ, पहले स्टेप्स देखने दो, स्टेप्स चेक करने दो, हमको क्या करना है इसके अंदर, इसमें आपको ये रेशो लेना है, अब ये रेशो चेक करना है, रेशो बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, ये रेशो चेक करना है कि रेशो बराबर आ रहे नहीं आ रहे, क्योंकि रेशो बराबर आएंगे तभी तो ये वीट स्टोन, अब ये तो क्लियर हो गया कि वीट स्टोन ब्रिज है, अब ये वीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कब होगा? ये बैलेंस होगा जब ये वैल्यूज हट जाएगा, ठीक है, जब ये क्या है, हाँ वो घटेगा कब, पहले चेक करना पड़ेगा ना कि भाई बैलेंस है कि नहीं है, तो बैलेंस है या नहीं उसके लिए आपको 4 by 2 = क्या करना पड़ेगा? 2 by 4, ठीक है, 4 by 2 = 2 by 4 करना पड़ेगा, ये तो कहाँ बैलेंस हो रहा, नहीं हो रहा बैलेंस, नहीं नहीं ये आप ये वाला अपन को इसमें क्लियर नहीं हो रहा ना, क्वेश्चन में विजिबल नहीं है क्लियर, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कितने का लगा हुआ है ये, ए और यहाँ तो क्लियर है, हाँ कितना 1 ही दिख रहा है, मुझको भी 1 ही लग रहा है, ठीक है, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको करेक्शन करना है, क्योंकि क्वेश्चन में विजिबल नहीं था अपन को क्लियरली, ठीक है, तो इसको अपन करते हैं 1, और 1 ही है ये, तो यहाँ आके चेक हो जाना था वैसे भी, ठीक है, ये कितना है? 1 है, अरे आ जा यार, तो ये वाला जो है अपने पास कितने का है? ये 1 ओम का है, करेक्शन कर लेना है यहाँ पे, ये 1 ओम आ जाए, तो आपको चेक करना है। अब चेक कैसे करोगे, समझ में आ रहा है ना, चेक कैसे करते हैं वीटी स्टोन ब्रिज को, दिस रेशो 1 by 2, 1 by 2 = 2 by 4, तो ये कैंसिल कर दोगे तो ये बराबर आ गया, 1 by 2 = 1 by 2 आ गया, इट मीन्स क्या है, दिस वीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज इज बैलेंस, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, सो रिमूव ब्रांच, जो ब्रांच है आपकी, रिमूव ब्रांच बीडी, बीडी वाली जो ब्रांच है उसको क्या करेंगे अपन, रिमूव कर देंगे। अब बीडी वाली ब्रांच जैसे ही आपने रिमूव करी, ठीक है, तो रिमूव करके ये दोनों तो आ जाएंगे सीरीज में, 1 ओम और 2 ओम तो आ जाएंगे सीरीज में, तो 1 ओम और 2 ओम का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है आ जाएगा 2+1, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब आप लोगों को आता है, ठीक है, ऐसे ही आर डबल डैश करूंगा मैं 2 और 4 का, तो 2+4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 ओम,
फिर क्या होगा आर डे थ्री प्लस वन बाय ये क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हम कर देते हैं आर ट्रिपल डैश कर देता हूँ मैं तो 1/3 प्लस 1/6 तो 1/3 6 एलसीएम ले लिया अपन तो 2 प्लस 1 आ जाएगा मींस 3/6 तो 3 2 जा 6 तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आ रहा है हमारा कितना आ गया ये 2 ओम आ गया तो 2 ओम अब V/R क्या पूछना चाहते थे हमसे करंट बताना है उनको यहां कितना करंट जा रहा है ये करंट बताना है तो करंट कैसे करोगे I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R ये ट्रिपल डैश तो V जो है आपका 4 है ये 2 2 2 जा 4 या 2 एंपियर आया समझ में आया तो फाइनल आंसर जो हमारा बनेगा वो कितना बनेगा 2 ओम 2 एंपियर इजी हो गया ओके तो क्वेश्चंस में क्या करना है आपको सबसे पहले जो भी जंक्शन से उनके नेम कर दो जैसे इसको ए कर देते हैं अपन जो भी जैसे आप चाहो इसको बी कर दो इसको सी कर देते हैं और ये लास्ट वाले को डी कर देते हैं अब बैटरी के टर्मिनल जो है वो ए और डी से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक एंड तो आपका ए बन जाएगा और दूसरा जो एंड है वो डी बन जाएगा क्लियर है ना भाई देखो ए और डी जुड़े हुए हैं टर्मिनल से तो अब देखो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है एक्स मान लो ये पॉइंट में बी ले लेता हूं तो ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो लगा हुआ है एक्स ए और बी के बीच में तो ये डन हो गया फिर ए और सी के बीच में 2 ओम है तो यहां पर कहीं पे मैं सी ले लेता हूं ठीक है तो ए और सी के बीच में हम लगा देते हैं 2 ओम ये 2 ओम लगा दिया ये भी डन हो गया उसके बाद बी और सी के बीच में है 5 ओम तो ये बी है और सी तो बी और सी के बीच में आप लगा दो 5 ओम ये हो गया आपके बी और सी के बीच में 5 ओम लगा दिया आगे देखें बी और डी के बीच में 18 ओम है तो बी ये रहा और बी और डी तो बी और डी के बीच में 18 ओम ऐसे ही करना है आपको है ना और सी और डी में 6 ओम है तो सी और डी में आ गया 6 ओम बाकी तो आप जानते ही हैं यहाँ पर जो है इस तरह से आगे बैटरी लगी हुई है ना सेल लगा हुआ है 6 वोल्ट का ये कह रहे हैं फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस एक्स इन द सर्किट वेयर नो करंट फ्लोस थ्रू द 5 ओम रजिस्टर 5 ओम में कोई करंट नहीं जा रहा 5 ओम में जो करंट है वो जीरो है तो 5 ओम में तो करंट तभी जा सकता है जबकि ये जो आपको अब तो क्लियरली विजिबल हो गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज ही है और बीच वाली ब्रांच में तभी करंट नहीं जाएगा जबकि ये बैलेंस हो तो बैलेंस कैसे होगा कि x बाय 2 करोगे x बाय 2 इज इक्वल टू 18 बाय 6 कर दोगे 6 3 जा 18 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 तो 6 ओम आपका आंसर बन जाएगा आया समझ में तो देखो कैसा ऐसा दिख रहा है वैसे नॉर्मली अप्रोच करोगे इसको तो डिफिकल्टी आएगी आपको यहाँ पर आपका टाइम सेव हो रहा है और बिल्कुल आपको इन विद इन अ सेकंड आपको आंसर मिल गया आपका ठीक है तो इस तरह से क्वेश्चन आपको अप्रोच करना है आया सबको सबने ही सही आंसर करा है ठीक है तो वेरी गुड नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि काफी पॉपुलर है ठीक है स्टार डेल्टा ऐसे बने हुए आते हैं ये शेप्स बड़े पॉपुलर क्वेश्चंस हैं ठीक है चलो देखते हैं इसका आंसर करो ठीक है पॉइंट ये है कि जिसके बीच जिस जंक्शन के बीच में कोई रेजिस्टेंस ना लगा हो ना तो उसको आप एज इट इज नेम दे दो जैसे ये ए है तो इसको ए कर दो ये सी है तो इसको सी कर दो अब सीधी सी बात है इस ए और सी के बीच में कहीं पे सप्लाई लगी हुई है तो सप्लाई लगी हुई है तो मतलब आपको ए को जो एंड आएगा आपका एक एंड तो आपका ए आ जाएगा जैसे इस एंड को ए कर दिया आपने और एक और जो दूसरा एंड आएगा वो सी आ जाएगा तो ये सी हो गया अब ए और सी के बीच में आपको लगाना है और मैंने आपको क्या सिखाया है 1/1 टिक करते जाना जो बनाते जाओ आप जैसे आप देखो सी और बी के बीच में आर लगा हुआ है तो ऐसा करो यहाँ पर बी बना दो एक ये बी वाला जंक्शन बना दो और सी और बी के बीच में आर लगा दो ये सी और बी के बीच में आर लगा दिया आपने ये डन हो गया आपका एक फिर देखो सी और डी के बीच में आर लगा हुआ है तो यहाँ पर डी बना दो आप ठीक है और सी और डी के बीच में ये सी और डी के बीच में आर लगा दिया ये भी एक डन हो गया आगे देख लो आप ए और डी के बीच में आर लगा हुआ है ए और डी के बीच में तो ये ए है ये डी है ए और डी के बीच में आर लगा हुआ है ये भी डन हो गया आपका फिर बी और डी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है आर का बी और डी के बीच में तो ये बी है आप और ये डी ठीक है बी और डी के बीच में आर रेजिस्टेंस लगा दिया आगे देखें ए और बी है ना तो अच्छा बी और डी वाला डन हो गया ये डन हो गया अब ये एक एक ही बचा है बस बी और ए के बीच में तो बी और ए के बीच में भी लगा दो ये आर लगा दो आप ठीक है तो अब ये क्लियरली विजिबल है कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है दिस अरेंजमेंट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड व्हेन वी टेक अ रेशियो आर बाय आर इज इक्वल टू आर बाय आर ये रेशियो आप लोगे तो ये 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है मतलब कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये क्या है बैलेंस है अब बिकॉज़ व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने भी तो यही सेंड करा था
अभी देख लेंगे, अभी रुक जाओ। तो वीट स्टोन वन सेकंड रुक जाओ, एक मिनट रुको। तो ये वीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है, तो हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे, इस वाले को एलिमिनेट कर देंगे, बीडी को। जैसे ही आप बीडी को एलिमिनेट करोगे, ये आर और ये आर तो किसमें आ जाएंगे आपके, ये आर और आर किसमें आ जाएंगे, सीरीज में, सीरीज में आ जाएंगे। तो इन दोनों का हो जाएगा टू आर, ठीक है। ऐसे ये आर और ये आर, ये दोनों भी सीरीज में आ जाएंगे, तो इन दोनों का आ जाएगा टू आर, ठीक है। अब ये 2R और 2R अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा, तो पैरेलल, हाँ पैरेलल हो जाएगा। मैंने बता ही दिया वैसे तो आपको, फिर भी चलो बना देता हूँ कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट, लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये 2R और ये 2R, ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। तो 1/r ट्रिपल डैश करेंगे अपन, तो 1/2R प्लस 1/2R, तो ये हो जाएगा आपका 2/2R। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आर आएगा, ना कि वन, ठीक है। वन आंसर नहीं है इसका, आंसर जो है वो आर है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है, आया समझ में, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो वापस से देखो, इधर आपका ए पॉइंट आ जाएगा, टू ओम इज द आंसर, हाँ टू ओम आंसर है। देखो इधर ए आ जाएगा और ये बी आ जाएगा, ठीक है। तो ए, अच्छा ए बी हो गया, और सर टू एम्पियर, हाँ वन सेकेंड। तो ए है और एफ है, देखो इसके बीच में कुछ नहीं है, तो ए और एफ को आप सीधे ये कनेक्ट कर सकते हो, ऐसे कर लो, ये ए एफ हो गया। और ऐसे इधर देखो बी और ई है, तो बी कर दो और ये इसको कर दो ई कर दो, इस तरह से कर दो। तो अब एफ और सी के बीच में टू ओम, देखो आप कहाँ का कनेक्ट है, एफ और सी के बीच में टू ओम है, तो इसको सी कर देता हूँ मैं ऑफ, एफ और सी के बीच में टू ओम लगा देते हैं, तो ये हो गया डन। फिर क्या करें, एफ और डी के बीच में टू ओम है, तो एफ ले लो, ये कर दो F और D के बीच में 2 ओम लगा दो, तो F और D के बीच में 2 ओम ही हो गया। आगे देखें आप, C और D के बीच में 2 ओम है, तो ये C और D के बीच में, यहाँ पर C और D के बीच में भी 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये 2 ओम आ गया C और D के बीच में, और लास्ट में C और E के बीच में यहाँ भी 2 ओम है, तो C और E में भी 2 ओम आ जाएगा, और E एंड D, तो E और D के बीच में देख लो भाई, E और D के बीच में भी 2 ओम है। तो ऑब्वियसली ये व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें 2/2 = 2/2 हो रहा है, यानी 1 = 1, यानी ये बैलेंस हो रहा है, और बैलेंस होगा तो फाइनली आपका जो फाइनल आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला है आप लोगों ने, बिल्कुल सही है, 2 ओम आ रहा है फाइनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये 2 ओम आ रहा है, और टोटल जो करंट आप निकाल रहे हैं, टोटल करंट कितना रहा है, I = V/R, वी कितना है यहाँ पर, 2 वोल्ट है, तो 2/2, तो करंट आ गया 1 एम्पियर, ठीक है। अब क्या है, जैसे ए वाले को मैं प्लस टर्मिनल ले लूं, बी को माइनस ले लेते हैं, तो करंट जो जाएगा हमारा वो जाएगा इधर ए से चलेगा ये, तो ए से जैसे ही चलेगा, आप जो ब्रांच की ये बात कर रहे हैं ना, तो एक ब्रांच से कह रहे हैं AF CEB, ए देखो आप AFCEB, यानी इधर ये ऐसे जा रहा है, इस ये FCEB, ये वाली ब्रांच की बात कर रहा है। तो देखें रेजिस्टेंसेस कितने मिल रहे हैं इसको, एक तो 2 ओम यहाँ मिल रहा है, 2 ओम यहाँ मिल रहा है, 4 ओम का मिल रहा है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भेजा है, हाँ 1 सेकंड दोनों का, 1 सेकंड रुको। तो ये ए एफ सी भी करा आपने, तो देखो यहाँ पर ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, 4 ओम का मतलब इसको रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा है। दूसरी जो ब्रांच इसकी है AFDEB, तो AFDEB देखो कैसा है, ए ये रहा AF और ये आप डी, फिर ये ई और बी, तो यहाँ पर भी जो इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है, 4 का ही मिल रहा है, यानी दोनों साइड जो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं उसको वो सेम मिल रहे हैं, तो सेम मिल रहे हैं, तो जो करंट होगा आपका फाइनली जो इन दोनों ब्रांचेस में जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। तो इन दोनों ब्रांचेस में जो करंट जाएगा वो करंट कितना जाएगा, 0.5 एम्पियर का जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट क्या था ये, सर आ गया 0.5 कैसे आया,